तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ग्रीन स्क्रीन के बिना हम अपनी वीडियो का बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं, वो भी मोबाइल फोन पे। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम ग्रीन स्क्रीन के बिना अपनी वीडियो का बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं। मोस्टली क्या होता है कि किसी एक रंग का हमारा बैकग्राउंड होना चाहिए, या बिल्कुल व्हाइट हो, या बिल्कुल ग्रे हो, या किसी रंग का भी हो, एक रंग का हो, उसके बाद उस पर लाइटिंग बहुत अच्छी से हो, और उसके बाद जाके हम उस पर क्रोमा की अप्लाई कर सकते हैं, तब जाके उसका बैकग्राउंड रिमूव होता है। अदरवाइज उसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं होता। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा साया यहाँ पे पीछे आपको दिखाई दे रहा है, अगर हमारे बैकग्राउंड में इस किस्म का साया आएगा तो हमारी वीडियो का बैकग्राउंड कभी भी रिमूव नहीं होगा। लेकिन जो प्रोसेस मैं आपके लिए लाया हूँ, उस प्रोसेस की मदद से साया आए, कुत्ता आए, बिल्ली आए, जो भी आए, आप अपनी वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं बिना किसी डिफिकल्टी के। तो यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पे आ चुके हैं। मोबाइल फोन की स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ पे हमने क्रोम ब्राउजर में जाना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करके यहाँ पे हमने सर्च करना है ग्रीन स्क्रीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन स्क्रीन मैंने लिख के सर्च किया है, और यहाँ पे इमेज पे सिलेक्ट करेंगे। और इमेज पे सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर से आपने एक ग्रीन स्क्रीन को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे मैं ये वाली ग्रीन स्क्रीन को डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके आसानी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक काम किया, एक ग्रीन स्क्रीन को डाउनलोड कर लिया। अब जो दूसरा काम करना है वो ये करना है कि हमें कैपकट एप्लीकेशन चाहिए। आप सिंपली इसको प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमने कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। कैपकट एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ हम फोटोज़ में जाएंगे, और फोटोज़ में जाके जो अभी हमने ग्रीन स्क्रीन डाउनलोड की है हमने इसको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन ऐड हो चुकी है। मैं इसकी थोड़ी सी ड्यूरेशन को बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे 5-6 सेकंड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमें एंड पे एक वाटरमार्क दिखाई दे रहा है, उसको हमने डिलीट कर देना है। अब इसके बाद यहाँ हमें ओवरले का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ओवरले पे क्लिक करेंगे। ओवरले पे क्लिक करने के बाद ऐड ओवरले पे करेंगे। ऐड ओवरले पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हम वो वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका हम बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो को मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद इसको मैं ऐसे एडजस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं फालतू हिस्से को स्प्लिट कर लेता हूँ। यार मतलब आपने अभी तक चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो देख रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है यार। काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो आपको पसंद आ रही होगी उम्मीद करता हूँ, तभी अब तक देख रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर लें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज लाता हूँ। यहाँ पे मैंने फालतू इसे स्प्लिट करके डिलीट कर लिया, आप देख सकते हैं। अब सिंपली मैं वीडियो पे क्लिक करूँगा। वीडियो पे क्लिक करने के बाद ये जो आपको नीचे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, इनमें हम थोड़ा सा ऐसे स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है रिमूव बैकग्राउंड। इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करते जाएंगे तो ये हमारी वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव होने लगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 45, 56 ऐसे करके रिमूव हो रहा है, जब तक कि ये 100% ना हो जाए। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। मैं यहाँ पे प्ले करके आपको दिखा रहा हूँ, वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब इसको एक्सपोर्ट करने के लिए आपको तीर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो एक्सपोर्ट होने लग जाएगी, और एक्सपोर्ट होकर ये वीडियो आपकी गैलरी में पहुँच जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब इसके बाद मैं गैलरी ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने गैलरी ओपन की और यहाँ पर ये वीडियो मेरी एक्सपोर्ट होकर आ चुकी है। आप देख सकते हैं इस तरीके से आप बआसानी बिना ग्रीन स्क्रीन के अपनी वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं।